पुनिक्चन, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर बात करेंगे हम जीएसटी में इनवॉइस के कैंसिलेशन या फिर अमेंडमेंट की, कि आप किस तरह से जीएसटी में अपने इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। क्या 24 आवर्स के बाद भी कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा जीएसटी का जो इनवॉइस वाला पोर्टल है, ये जीएसटी का इनवॉइस वाला पोर्टल है। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वाले पोर्टल पर जो भी आप फैसिलिटी अवेल करेंगे वो आप लॉगिन करने के बाद ही अवेल करेंगे। बट ये जो पोर्टल है ये इनवॉइसिंग के पोर्टल के लिए बनाया गया है, कि यहाँ से आप यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो यूटिलिटी है उसके थ्रू आप अपने इनवॉइस को बनाएंगे। या फिर अगर आप इस पोर्टल का यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इस पोर्टल का आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप किसी अदर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से भी आप जीएसटी में इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बट वो कैंसिलेशन एक टाइम लिमिट के अंडर होगा। कैंसिलेशन या अमेंडमेंट टाइम लिमिट के बाद कैसे होगा, यहाँ पर ये भी हम चीज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जीएसटी में जो रूल्स हैं। जीएसटी के रूल्स में क्लियरली ये मेंशन है, जो ई इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी प्रोविजन है उसमें क्लियरली लिखा गया है। क्या लिखा गया है, मैं जीएसटी के जो प्रॉपर जहां से आपको ये रीड करने के मिलेगा, ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जीएसटी के पोर्टल से ये फाइल डाउनलोड की गई है और जीएसटी पोर्टल पर ये क्लियरली लिखा गया है कि जो अमेंडमेंट है या फिर कैंसिलेशन है वो पॉसिबल तो है, बट एक टाइम लिमिट के अंडर अंडर में है, बट उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, कैन आई अमेंड डिटेल्स ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस फॉर विच आईआरएन, जिसके लिए आईआरएन हैज बीन ऑलरेडी जनरेट किया गया है। तो इन्होंने पहले क्लियरली यहां पर मना कर दिया, अमेंडमेंट्स आर नॉट पॉसिबल ऑन आईआरपी। तो जो ये पोर्टल है यहाँ पर कोई अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। अमेंडमेंट का मतलब है कि आप फिगर्स को चेंज करना चाहते हैं या फिर पार्टी का डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कोई इनवॉइस बना दिया और वो पार्शियली गलत है, मतलब कुछ डिटेल्स उसमें सही है, कुछ आपको ठीक करनी है, उसमें चेंजेस करने हैं, तो कैसे करेंगे आप, एनी चेंज इन द इनवॉइस डिटेल्स रिपोर्टेड टू आईआरपी कैन बी कैरीड आउट ऑन जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल कौन सा है हमारा, ये वाला पोर्टल जीएसटी पोर्टल लॉग इन मतलब जो रिटर्न फाइलिंग के लिए वो नहीं है, ये जीएसटी पोर्टल है ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जीएसटी का पोर्टल है www.gst.gov.in, इस पर आपको मैनुअली लॉग इन करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे आप रिटर्न फाइल करते होंगे तो हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में एपीआई को एनेबल किया हुआ हो, तो आप डायरेक्ट जेएसओन अपलोड कर देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले जेएसओन अपलोड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा जो इनवॉइस वाली डिटेल्स है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर मैं आपको अब लेकर चलता हूँ कि अमेंडमेंट कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो लॉगिन करने के बाद आपको जाना है GSTR1 में, जहां से हम रिटर्न फाइल करते हैं। आपकी डिटेल्स यहाँ पर अगर आपने जेएसओन अपलोड किया है तो ऑटोमेटिकली आ चुकी होंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो डिटेल्स है आपकी वो सारी की सारी आपको मिलेगी B2B में, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ वाली। और अमेंडमेंट रिकॉर्ड के लिए हमें जाना है यहाँ पर अमेंडमेंट करने के लिए, अगर कोई आपको इनवॉइस अमेंड करना है, ठीक है। तो अमेंडमेंट क्या होगा, वो अमेंडेड इनवॉइस जो कि आपने प्रीवियसली फाइल किए हो। अब ध्यान से समझिएगा, सपोज कीजिएगा कि आपने प्रीवियस मंथ में कोई इनवॉइस फाइल किया था और वो आपका इनवॉइस था, अब आपको पता चला बाद में गलती हो गई है, अब उसको चेंज करना है, तो आप इस वाले पोर्टल से उसको चेंज नहीं कर सकते, इसी पोर्टल से आपको चेंज करना है। यहाँ पर जाना है अमेंडमेंट B2B इनवॉइस में, यहाँ पर आपको वो इनवॉइस नंबर एंटर करना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, जो चेंज करना है वो आप चेंज कर लीजिएगा, डाटा को सेव कर लीजिएगा, वो डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। बट क्या है यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाउएवर दिस चेंजेस विल बी फ्लैग्ड टू प्रॉपर ऑफिसर, जो आपके जुडिशियल जीएसटी ऑफिसर होंगे उनके पास ये डिटेल जाएगी। तो अगर आपकी एक दो बार गलती हो गई है, क्लरिकल मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप हर महीने प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस टाइप की दिक्कतें आपको आ रही है, तो आपको जीएसटी में फिर नोटिस आने के चांसेस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी है कि एक दो बार आपसे हो गई है गलती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाती है, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रेगुलर बना रहे हैं फिर उसको अपडेट कर रहे हैं, बना रहे हैं फिर उसको अपडेट कर रहे हैं, तो फिर जीएसटी में नोटिस आएगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अमेंडमेंट तो यहां से पॉसिबल है। अब दूसरा बात करेंगे कैंसिलेशन कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो जो आपका जियो जीएसटी में जो इनवॉइस है वो बन गया है आपका B2B में, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो जो डिटेल्स यहाँ पर आपको आएगी प्रॉपरली यहाँ पर आ जाएगी, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो डिटेल्स जो भी यहाँ पर आपकी डिटेल्स एनेबल्ड है उस इनवॉइस वाइज, जैसे पूरी प्रॉपर पार्टी वाइज यहाँ पर डिटेल्स आपको शो होती है, मैं आपको अभी दूसरा एक लॉगिन करके चेक करा देता हूँ, वो डिटेल्स आपको इस तरह से यहाँ पर शो करती है, ठीक है। तो आप इसको मैनुअली जाके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये प्रीवियस मंथ का है, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये प्रीवियस मंथ का है, ठीक है, तो फिर कैसे अपडेट करेंगे।
अब यहां पर बात करेंगे जो प्रीवियस मंथ के इनवॉइस हैं उसका कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैंने आपको पहले यहां पर बताया है कैंसिलेशन का, फिर अमेंडमेंट का भी बता दिया। अब हम बात करेंगे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्रेडिट नोट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको अपनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है तो आप उस पार्टी के लिए क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। इसमें जो टाइम लिमिट है वो काफी ज्यादा है। क्या टाइम लिमिट है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए जो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, डेबिट नोट इशू कर सकते हैं आप, वो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 30th नवंबर, मतलब जैसे सपोज करिए अगर हम 22-23 की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसके लिए अभी 30th नवंबर 2023 तब तक आप जो है अपने जो भी आपके इनवॉइसेस है उनके रिगार्डिंग आप जो है क्रेडिट नोट बना सकते हैं। अब आपके पास टाइम लिमिट भी है तो टाइम लिमिट के अंदर आप क्रेडिट नोट उस इनवॉइस वाले जो क्रेडिट नोट है उसके अंडर में आप इनवॉइस पोर्टल से इसका क्रेडिट नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटी है आपके लिए कि इनवॉइस आपको साथ के साथ अगर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है उसके भी आपको इनवॉइस पोर्टल से ही ई क्रेडिट नोट्स या ई डेबिट नोट्स भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा तरीका है वो ये वाला है। तो कैंसिलेशन का बता दिया मैंने, अमेंडमेंट का बता दिया, क्रेडिट नोट डेबिट नोट का बता दिया। अब इस जो यहाँ पर जो एडवाइजरी है उसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो IRN है या जो इनवॉइस वाला पॉइंट आपका जो कि आपने इस वाले पोर्टल से जनरेट किया है IRPA से, या तो इसमें काफी सारे पोर्टल्स भी है, वो कैंसिल हो सकता है केवल और केवल Within 24 hours। तो मैंने जो आपको तरीके बताए हैं 24 आवर्स के बाद वाले भी बता दिए कि आप जो है 24 के अंदर तो क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे जाएं अपना जो आपका इनवॉइस है उसको कैंसिल करते हैं। अगर गलती से आपका बन गया तो आपको फर्स्ट तो यही वाला ऑप्शन यूज करना है, बट अगर आपके 24 आवर्स निकल गए हैं तो फिर आप जो है GST पोर्टल से अमेंडमेंट का तरीका भी ले सकते हैं, कैंसिलेशन का भी तरीका ले सकते हैं। बट यहाँ पर क्या लिखा गया, हाउएवर इफ द कंसर्न ईवेबिल इज एक्टिव और वेरीफाइड बाय ऑफिसर ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो अगर उस ई इनवॉइस के अगेंस्ट में जो ईवे बिल आपने बनाया है वो अगर वेरीफाइड हो गया है 24 आवर्स के अंदर की बात हो रही है तो फिर वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ IRN GSTR1 आल्सो बी अपडेटेड विद सच कैंसिल स्टेटस, तो यहां पर उसका स्टेटस जो है कैंसिल दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है कि जो आप जो इनवॉइस यहां पर आ रहे हैं उसको आप कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं, वो इनवॉइस यहां पर जो भी आपका इनवॉइस वाला पोर्शन है उसको आप अमेंडमेंट करके वैल्यू में दिखा सकते हैं कि क्रेडिट नोट्स इशू कर सकते हैं। और अगर टाइम लिमिट ज्यादा, मतलब उसकी टाइम लिमिट हो गई है, मतलब प्रीवियस मंथ का है, आपने रिपोर्टिंग कर दी थी, अब आप उसको सही करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं। अमेंडमेंट में क्या होता है कि काफी बार ऐसा भी होता है कि आप ये चाहते हैं कि इस पूरी वैल्यू को जीरो कर दें, तो पूरी वैल्यू को जीरो करना पॉसिबल नहीं होता है, अमेंडमेंट में जीरो वैल्यू नहीं जा सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। फिर आप जो है नॉमिनल वैल्यू को कर सकते हैं, बट ये सारी एक्टिविटी आपको अपने वेंडर से प्रॉपर जो है कम्युनिकेट करके और एविडेंस में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है कम्युनिकेशन वो प्रॉपरली आपको फाइल में लगाना है, क्योंकि जब भी GST ऑफिसर वेरीफाई करेंगे या फिर आपके पास नोटिस आएगा तो अगर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो आपने एक टाइम लिमिट के बाद इनवॉइस कैंसिल किए हैं तो वो आपको प्रॉपरली वेरीफाई करना होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जेन्युइन रीजन की वजह से ये GST में इनवॉइस जो है कैंसिल करना पड़ा था। अब यहां पर क्या लिखा गया है, कैन एन इनवॉइस नंबर ऑफ कैंसिल IRN भी यूज अगेन, तो नहीं, अगर एक बार कोई IRN कैंसिल हो गया है तो वो जो है आप दोबारा से उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको दोबारा से यूज करेंगे तो जो IRN पोर्टल है वो उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो यूनिक होता है, एक IRN आपका नंबर यूनिक होता है, वो बेस होता है आपके GST नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट का टाइप एंड फाइनेंशियल ईयर, उसका कॉम्बिनेशन होता है। क्या पार्शली कैंसिल कर सकते हैं एक रिपोर्टेड इनवॉइस को, तो पार्शली तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नो इट हैज टू बी कैंसिल इन टोटो, तो पूरा का पूरा ही आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप जो है पार्शली कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइस गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेबल रूल एंड रेगुलेशन है वो भी साथ के साथ यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है कि आप GST में अपना जो इनवॉइस अगर आपका बन गया है कैंसिल कैसे करेंगे, अमेंडमेंट कैसे करेंगे, या फिर अगर आप उसको कैंसिल या अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे। क्रेडिट नोट तो आप जो है अपने इनवॉइस पोर्टल से बना सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग आपको प्रॉपर्ली करनी है। ये GSTR1 है, जो डिटेल्स यहाँ पर सबमिट होती है वही फाइनली कंसीडर की जाती है और उसके बेस पर ही आपकी जो लायबिलिटी है डिसाइड होती है GSTR1 और GSTR3B की। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है और कोई भी गलत एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो।
वो बेटर रहेगा कि आप जब भी अपने इनवॉइस जनरेट करें तो प्रॉपरली सही तरीके से ध्यान से उसको जनरेट करें। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, जेन्युइन रीजन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उन तीनों तरीके को आप फॉलो करके अपने जीएसटी को कैंसिल, अमेंडमेंट या फिर उनके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल्स। जीएसटी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पूरी एक्टिविटी यहाँ पर करनी है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जीएसटी फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए